हेलो फ्रेंड्स, न्यू मूवी में फिर से एक बार और स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका होस्ट दीपक। चलिए आज का जो रिव्यू और कंटेंट मैं लेके आया हूं, ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और ये एक मूवी है और इसका नाम है द वाइट टाइगर। ठीक है, आप लोग तो बहुत कुछ इसमें से देख लिए होंगे और जो लोग नहीं देखे होंगे प्लीज आप ये रिव्यू देखिए और उसके बाद ये मूवी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा जानने का कोशिश करते हैं इस मूवी के बारे में कि ये क्या है, इसमें क्या दिखाने का कोशिश किया हुआ है और इसका जेनरस क्या है, आईएमडीबी रेटिंग क्या है, साउंड क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, इसका आईएमडीबी रेटिंग है 7.2 out of 10 और रिलीजिंग डेट है 22 जनवरी 2021। ऑलरेडी हो चुका है और नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और रनिंग टाइम है इसका 2 घंटे 10 मिनट अप्रोक्स, 2 घंटे 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। और ये एक मूवी है और इसका पिक्चर क्वालिटी फुल HD है और साउंड क्वालिटी डिजिटल डॉल्बी है, स्पोकन लैंग्वेज डेफिनेटली हिंदी विथ मल्टीपल सबटाइटल। फ्रेंड्स, इसका जो जेनरस है, जो इसका टाइप है, क्राइम एंड ड्रामा। जी हाँ, इसमें क्राइम भरा हुआ है और ड्रामा भी है और थोड़ा सा आपको ठिसुम ढिसुम भी है तो मगर चल जाएगा। और पेरेंट्स गाइडलाइन, अपने पेरेंट्स को मैं ये बताना चाहता कि इसमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा माइल्ड है तो अपने बच्चों के साथ बच के देखें। जैसे प्रोविटेड सीन भी है, एडिक्टेड सीन भी है, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग का भी सीन है तो थोड़ा आप सावधानी से देख लें। अब हमारे इसमें के जो टॉप कास्ट हैं, वो हमारे 3-4 टॉप कास्ट है, उसमें से 2-3 का मैं नाम बता दे रहा। जो हमारे पहले हैं राजकुमार राव, जो कि अशोक का एक्टिंग किए हैं। जो हमारी दूसरी मेन कैरेक्टर हैं पीसी, प्रियंका चोपड़ा, जो इस मूवी में पिंकी का रोल की हैं। और जो हमारे आखिरी हैं आदर्श, जो कि हमारे बलराम का एक्टिंग किए हैं और वो गरीबी का एक्टिंग किए हैं। ये मूवी ये तीनों पे चलता है, गोल एंड गोल। चलिए अब हम थोड़ा सा स्टोरी लाइन बता देते हैं। स्टोरी लाइन बताने से पहले मैं सभी सब्सक्राइबर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और जो लोग नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज मेरे कॉन्टेंट को देखिए। यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे को भी टिंग कर दीजिए जिससे आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। चलिए अब हम थोड़े से स्टोरी लाइन बताते हैं और थोड़ा सा बताऊंगा कि आपको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि इसमें एक मेन कैरेक्टर है जो कि गरीब लड़का रहता है, जो कि बलराम जो रहता है वो गरीब से रहता है और वो आगे बढ़ने के लिए, ऊपर बढ़ने के लिए कोशिश करता है। और फिर वो एक दिन मिलता है अपने राजकुमार राव से और उनकी वाइफ जो पिंकी, प्रियंका चोपड़ा रहती है। बलराम रहता है, ड्राइवर बनने का कोशिश करता है और बन भी जाता है। उसके बाद वो उसमें दिखाया है कि ये जो बलराम रहता है कितने अपने जॉब के प्रति, ड्राइवरी के प्रति बहुत ऑनेस्ट रहता है, मगर एक दिन ऑनेस्टी उसका टूटता है और वो कुछ ऐसा कर देता है। और फिर आपको इसमें आपको थोड़ा सा मिस्ट्री भी मिलेगा और थ्रिल भी मिल जाएगा कि ये क्यों किया, ये बलराम ऐसा क्यों किया, इसको नहीं करना चाहिए आप सोचेंगे। और फिर प्रियंका चोपड़ा अचानक से कहीं चली जाती हैं कि नहीं जाती हैं, वो तो आपको देखना पड़ेगा। तो ले दे के ये मूवी अच्छा है, आपको इंगेज अच्छा करके रखेगा, बोर नहीं लगेगा कहीं भी आपको इसमें। मतलब कि जो कास्टिंग सब किया, जो एक्टिंग किया, बलराम जो गरीबी का उसका ड्रेसअप और अपनी प्रियंका चोपड़ा का तो आप समझते ही हैं क्या है वो। और जो अशोक राव भी है वो बहुत पोलाइट है, नर्म है, मगर उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए बलराम को, वो कर दिया। तो जाइए आप लोग ये मूवी देखिए और उसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को ये मूवी कैसा लगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टाटा, बाय बाय।